हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 6। ये डेट है आपकी 6 अगस्त, सामाजिक विज्ञान की आपकी वर्कशीट है क्लास 7th की। और यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्कशीट का जो टाइटल है वो है पर्यावरण। पर्यावरण में आज हम पढ़ने वाले हैं जलमंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, मतलब जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जल होता है, पानी होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए क्या है, ये आवश्यक है। जल पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, बर्फ और तरल जैसे कि पानी हो गया, और गैस, वाष्प रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है। तो पानी को आपने कहाँ कहाँ देखा है बच्चों, जैसे कि और किस किस रूप में। 3 रूप होते हैं पानी के, ठोस, तरल और गैस। तो देखिए, घर में या फिर नदी नालों में जो पानी होता है वो किस रूप में होता है, वो तरल रूप में होता है, ठीक है। और जैसे शिमला जाते हैं आप या फिर पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों पे जाते हैं हम, पहाड़ों में कैसा होता है, बर्फ़ होता है, ठोस होता है, ठीक है। बर्फ़ कैसा होता है बच्चों, ठोस होता है। सॉरी, ये मैं यहाँ पे आएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद अब वाष्प की बात करी, तो वाष्प जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, वो आसमान में, मतलब बादल के रूप में होता है, वो गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो अगर आपको जो है इसका ये गैस की अवस्था देखनी है, मतलब गैस का रूप देखना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपने कभी उबलते हुए पानी को देखा होगा, उसमें से धुआं निकलता है, आप उसके ऊपर जो है प्लेट रख दीजिएगा, तो वो देखिए जब वो प्लेट को उठाएंगे तो उसमें बूंदें बन जाएंगी। अब वायुमंडल देखते हैं, वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायु मतलब हवा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। हमें कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं वाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें क्या क्या उपस्थित रहते हैं, गैस, धूलकण, वाष्प, ठीक है। आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। आओ जाने, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन से बनी है। मतलब 78% तो क्या है, नाइट्रोजन, और 21% क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें की भी छोटी छोटी मात्रा होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, जहां जीव जंतु मिलकर एक संजीव संसार का निर्माण करते हैं और जहां पे जीव संभव है, ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। पादप एवं जीव जंतु से मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। वायुमंडल की 5 परतें, तो ये देखिए, ये वायुमंडल की 5 परतें हो गई। पहला शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और ब्रह्मांडल, ठीक है बच्चों। तो ये 5 परतें हैं जो कि आप, जिनका नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है।
तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग कह रहे थे थैंक्स वीडियो के लिए, तो बहुत ही जल्द थैंक्स वीडियो आ जाएगी। एक्चुअली हम लोग थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो आपकी थैंक्स वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगी आज कल में, ठीक है। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करके बताइए अगर आप भी चाहते हैं आपकी थैंक्स वीडियो में आपका नाम लिया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।